हेलो एवरीवन आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मस्कुलर कंट्रैक्शन जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और चलिए करते हैं स्टार्ट मसल कंट्रैक्शन जो मसल कंट्रैक्शन या फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सो मसल कंट्रेक्शन इन्वॉल्व द कप प्लिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स एंड दीज हैलबर्ट सर्जन जो मसल कंट्रैक्शन है उसी के अंदर हम रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं हम सबसे पहले इन रेस्टिंग मसल फाइबर द आउटसाइड ऑफ सेक्रोलेमा इज पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्ट टू इनसाइड मैकेनिक का मतलब है कि जो सेक्रोलेमा जिस तरह हमारे पास सोडियम पंप होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होती है और इनसाइड इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं सेम हमारे पास जो सेक्रोलेमा है जब हम रेस्टिंग आ, मसल फाइबर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेक्रोलेमा होती है वो आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होती है विद रिस्पेक्ट टू तो इनसाइड और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन की अक्रॉस उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं जो सोडियम आयंस होते हैं वो लाई करते हैं आउटसाइड द सेक्रोलेमा और जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो इनसाइड द सेक्रोलो सेक्रोलेमा लाई करते हैं सेक्रोलेमा इज मोर परमेबल टू पोटाशियम आयंस देन सोडियम आयंस जब हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास जो सेक्रोलेमा है वो मोर परमीट करती है पोटाशियम आयंस को देन सोडियम आयंस नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल में डिफरेंस भी यही है हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो सेक्रोलेमा होती है वो मोर प्रमेबल होती है सोडियम आइंस के लिए देन पोटाशियम आइंस और इन हमारे पास जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसके अंदर क्या होता है जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसके अंदर जो सैक्रोलेमा है वो मोर प्रमेबल होती है पोटाशियम आइन्स के लिए एज़ कम्पेयर टू सोडियम आइन्स अब हम बात करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है जब कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है मसल्स के अंदर वो क्यों जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है मसल के अंदर वो जनरेट होता है बाय टू प्रोटीन इंट्रैक्शन वो प्रोटीन कौन कौन से हैं मायोसिन प्रोटीन और एक्शन प्रोटीन इन दोनों की इंट्रैक्शन से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट होता है मसल्स के अंदर बहुत सारी सेलुलर मूवमेंट्स होती है जो डिपेंड करती है इसी इंट्रेक्शन पे जो इंट्रेक्शन होती है एक्शन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बीच में अब हम डायग्राम की बात करते हैं इसके अब हम इस डायग्राम के थ्रू मायोसिन और एक्शन मायोफिलामेंट है उसके रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे इस डायग्राम के अंदर जो मायोसिन और एक्शन फिलामेंट्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप शो किया गया है देखिए हमारे पास जो एक्शन है जो हमारे पास एक्शन फिलामेंट है वो हमारे पास आउटसाइड होता है और जो मायोसिन होता है वो एक्शन फिलामेंट और जो हमारे पास एक्शन फिलाेंट्स है उनके बीच में लाई करता है जो मायोसिन फिलामेंट होता है इसको हम प्राइमरी मायोफिलामेंट भी बोलते हैं और इसको हम सेकेंडरी मायोफिलामेंट भी बोलते हैं देखिए हमारे पास ये हमारे पास एच जोन है ये हमारे पास जेड लाइंस हैं और जो सेक्रोलेमा होती है वो इस तरह होती है जब हमारे पास इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं तब हमारे पास सेक्रोलेमा ऐसी दिखाई देती है और ये डायग्राम है ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड बायोसिन फिलामेंट अब हम बात करते हैं कि जो ए टी पी एस होता है वो बाउंड होता है एक्टिन फिलामेंट से और जब हम इसकी हाइड्रोलिस करवाते हैं तो हमारे पास ए डी पी और फोस्फेट बनता है दैट मीन्स हमारे पास कौन सी चेंजेज आती हैं हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेज आती है और इसी टाइप के एंजाइम को जिसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन होती है केमिकल एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी के अंदर इसी को हम बोलते हैं केमिकल एंजाइम जिस एंजाइम के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर उसको हम बोलते हैं मकै एंजाइम और इसे हम ए मोटर प्रोटीन भी बोल सकते हैं अब हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट के बारे में जो मायोसिन होती है उसकी अगर हम बात करें तो मायोसिन इज मोटर एक्टिन फिलामेंट आर ट्रैक्स अलॉन्ग विद मायोसिन मूव एंड एटीपी इज फ्यूल दैट पावर मूवमेंट मायोसिन फॉर्म्ड ऑफ सिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इज डिफ्रेंसीटेड इंटू टू पार्ट्स दैट इज टेल एंड हेड्स जो मायोसिन है जो मायोसिन प्रोटीन है वो सिक्स पोलीपेप्टाइड चेन से बना होता है मिलके और इसके अंदर हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं एक पार्ट होता है टेल और दूसरा पार्ट होता है हेड ये हमारे पास हेड होता है ये हमारे पास टेल होती है ठीक है जो हेड होता है उसके अंदर जो हेड्स होते हैं वो टू इन नंबर होते हैं दो होते हैं एंड फॉर्म ऑफ टू ग्लोबुलर मेरोमायोसिन प्रोटीन्स एंड फॉर्म हैवी मेरोमायोसिन दैट इज एच एम एम और जो टेल होता है वो फॉर्म होता है टू पोलिपेप tides say and these chains intercoiled upon each other and is formed of helix and forms light marrow myosin that is lmm जो टेल होते हैं उसके अंदर भी टू पॉलीपेप्टाइड होते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास जो हेड्स होते हैं जो हेड्स होते हैं उनकी नंबर टू होती है और जो टेल होते हैं वो टू पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं जो हेड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास हैवी मैरोमायोसिन होता है और इसके अंदर हमारे पास लाइट मैरोमायोसिन फॉर्म होता है अब हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये हमारे पास थ्री प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रोपोमायोसिन एक्सन प्रोटीन और ट्रोपोनिन ये हमारे पास क्रॉस ब्रीजिंग साइट्स हैं और ये हमारे पास कंप्लीट जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है ये एक्टिन फिलामेंट है जिसके अंदर ये हमारे पास थ्री प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिन फिलामेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिन प्रोटीन की जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो फॉर्म फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फाइब्रस और फिलामेंट और एफ एक्टिन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरकोल्ड अपॉन ईच अदर टू फॉर्म एट डबल हेलिक्स जो एक्टिन प्रोटीन होता है कहने का मतलब है कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है ये बैकबोन को फॉर्म करता है ठीक है जो कि फाइब्रस से मिलकर बनी होती है और इसको हम एफ एक्टिन भी बोलते हैं मान लीजिए हमारे पास दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एफ एक्टिन किस को बोलते हैं तो आप ये लिख के आएंगे कि ये हमारे पास जो जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन जो प्रोटीन होता है उससे वो हमारे पास फॉर्म करता है बैकबोन को इसी को हम बोलते हैं अफ़ एक्टिन ठीक है जो फाइब्रस की बनी हुई बैकबोन होती है एक्टिन फिलामेंट के अंदर उसको हम अफ एक्टिन बोलते हैं ठीक है तो हमारे पास एक एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास कि जो अफेक्टिन है वो फॉर्म होता है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से ठीक है और ये हमारे पास जो एक्टिन प्रोटीन होता है ये फॉर्म फॉर्म होता है किससे टू पॉलीपेप्टाइड चेन से जो इंटरकोइल्ड होती है एक दूसरे से और एक डबल हेलिक्स की तरह फॉर्म होती है ये जो डबल हेलिक्स होता है उसकी तरह फॉर्म होती है इट कवर्स थर्टीन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। जो एक्टिन मॉलिक्यूल है उसकी जो थर्टीन एक्टिव साइट्स होती है उसको कवर करता है जो एक्टिन प्रोटीन होता है ठीक है सेकंड हम बात करते हैं ट्रोपोमाइसिन की अब जो ट्रोपोमाइसिन होता है ये भी फॉर्म होता है टू पोलिपैप्टाइड चेन से एंड स्पायरली कॉइल्ड अराउंड अफ एक्ट एक्टिन और ये भी हमारे पास कोल्ड होता है अफ एक्टिन के अराउंड और जो हर एक ट्रोपोमायोसिन है ये कवर करता है सेवन एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिलैक्स्ड स्टेट यानी का मतलब है जब वो रिलैक्स्ड स्टेट में आता है तब वो हमारे पास क्या करता है कवर करता है सेवन एक्टिव साइड्स एक्टिन एक्टिन मोलिक्यूल की नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रोटीन जो हमारे पास है ट्रोपोनिन जो ट्रोपोनिन होता है वो एक ओविल सेप्ड ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो लाई करता है ट्रोपोमायोसिन के एंड पॉइंट पे जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है उसके एंड पॉइंट पे और ये ब्लॉक करता है मायोसो मायोसिन बाइंडिंग एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन की सो so, यहाँ हमने देखा कि जो एक्टिन फिलामेंट के अंदर थ्री प्रोटीन्स होते हैं ट्रोपोनिन एक्टिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन इनका अलग अलग काम होता है और ये तीनों मिलकर फॉर्म करते हैं एक्टिन फिलामेंट को अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का इसके अंदर हमारे पास इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है एक्टिन और मायोसिन मोलिक जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जिनके बीच में वीक पॉइंट्स होते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो ए टी पी एज होता है वो बाउंड होता है एक्टिन फिलामेंट से और इसकी जब हम हाइड्रोलिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है ए टी पी और फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है ए टी पी और फॉस्फेट के अंदर जो ये सीरीज ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस है वो अक्कर होती है इन बीच जो मायोसिन है वो रिलीज करता है अफ एक्टिन अभी हमने बात की थी कि जो मायोसिन है वो क्या फॉर्म कर देता है वो अफ एक्टिन बना देता है ठीक है जो ए है वो बाइंड होता है मायोसिन से एक क्लेफ्ट इन मायोसिन मोलिक्यूल ओपन जब ए टीपी होता है मायोसिन से तो वहां पे एक क्लेफ्ट होती है मायोसिन मोलिक्यूल की वो ओपन हो जाती है डिसरप्टिंग द एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन सो दैट बाउंड एक्टिन इज रिलीज और यहाँ पर डिस्ट्रप्शन होती है जो डिस्ट्रप्शन है वो क्रिएट होती है एक्टिन मायोसिन के अंदर इस इसी इंट्रैक्शन से हमारे पास जो बाउंड एक्टिन है वो रिलीज होता है अब इस चीज़ को हम स्टेप वाइज देखते हैं स्टेप वन के अंदर ये देखिए ये हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट्स ये हमारे पास है मायोसिन फिलामेंट्स जो इस तरह हमने बनाए हुए ये है मायोसिन फिलामेंट्स ठीक है ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स और ये हमारे पास मायोसिन थिक फिलामेंट ये हमारे पास थिक होते हैं ये हमारे पास थिन होते हैं ये हमारे पास थिन होते हैं और ये हमारे पास थिक होते हैं जो ए है वो मायोसिन हेड से बाइंड है अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मायोसिन का जो हेड है उस उसके साथ अटैच है जो एक्टिन फिलामेंट है जो एक्ट ये हमारे पास क्या एक्टिन फिलामेंट और ये हमारे पास है मायोसिन तो ये हमारे पास जो जो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड है यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास सेकेंड स्टेप में क्या होगा सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये डिसोसिएट हो जाता है और ये हमारे पास एक्टिन बना देता है जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे से बाइंड थे स्टेप टू के अंदर हाइड्रोलिस होने के बाद में ये हमारे पास क्या बना देते हैं सिंपल एक्टिंग और यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजेस आ गए यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए कि यहाँ पे हमारे पास ए और फोस्फेट बन गया ये हमारे पास क्या हो गया ए और फोस्फेट बन गया अब स्टेप थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है जो मायोसिन हेड है वो वापिस से अटैच हो जाएगा फिलामेंट के साथ और रिलीज करेगा पी आई और रिलीज़ करेगा पी आई नेक्स्ट हमारे पास सेम स्टेप अक्कर हो जाएगा कि जो मायसिन हेड है वो वापस हमारे पास बाइंड हो गया किससे एक्टिन से और सेम कन्फर्मेशनल चेंजेस अगेन अक्कर हो गए ए टी पी और फोसफेट हमारे पास क्या बनेगा दोबारा से बनेगा अब जैसे कि हमने डायग्राम में देखा सेम हमें वही चीज़ें लिखने कि जो ए टी पी है वो हाइड्रोलिस हो हाइड्रोलिस होकर हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस शो करता है वहाँ पे हमारे पास फोस्फेट बनता है एंड ए डी पी बनता है उसके बाद हमारे पास स्टेप थर्ड के अंदर जो कन्फर्मेशनल चेंजेस अक्कर हुए थे उसके अलावा हमारे पास एक और कन्फर्मेशनल चेंज आता है कहने का मतलब है कि हमारे पास पावर स्ट्रोक हो जाती है वहाँ पे जो मायोसिन हेड होता है वो अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट के अंदर रिटर्न होने की कोशिश करता है और रिटर्न हो भी जाता है और कंप्लीट साइकिल के अंदर हमारे पास लास्ट के अंदर एडीपी रिलीज़ होता है और हमारे पास इस पूरे जो हमारे पास पूरी जो वर्किंग है इसके अंदर हमारे पास हर एक साइकिल के अंदर थ्री टू फोर पिको न्यूट्रॉन ऑफ फोर्स रिलीज होता है जनरेट होता है एंड मूव द थिक फिलामेंट फाइव टू टेन नैनोमीटर रिलेटिव टू द थिन फिलामेंट और जो थिक फिलामेंट है उसको मूव करता है थिन फिलामेंट की तरफ इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हमें पता लगा कि जो मसल फाइबर्स हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कंप्लीटली इस तरह हमारे पास वर्किंग में होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं अनर्जी जनरेशन की कि अनर्जी किस तरह हमारे पास जनरेट होती है हाइड्रोलिस ऑफ फॉस्ट फोसफो फोस्फोएनहाइड्राइड हाइड्राइड बॉन्ड्स इन एटीपी टी सब्सटेंशियल फ्री एनर्जी कहने का मतलब है कि जो एटीपी जब हाइड्रोलिसिस uh, जब हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फ्री एनर्जी रिलीज होती है अब अगर हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स है उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट दैट इज एटीपी ही होता है जो एनर्जी हमारे पास फ्री एनर्जी सारे ऑर्गेनिजम्स से सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ए जो ट्रांसफॉर्म करता है कैप्चर करता है फ्री एनर्जी को और जो यूजफुल फ्री एनर्जी होती है ए मॉलिक्यूल के अंदर उसके वो कंटेन करती है टू फोस्फो एनहाइड्राइड हाइड्राइट बॉम्ब्स बॉन्ड्स एंड फॉर्म फॉर्म होती है फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फेट बाय लॉस ऑफ वाटर और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एडेनसिन पी ये हमारे पास साइन देन पी ये हमारे पास साइन देन पी वे जो हमारे पास पी है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जब हम हाइड्रोलिस करवाते हैं फोस्फो एन बॉन्ड की देन ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है डेल जी नॉट वो कि, कितनी होती है वो हमारे पास होती है माइनस सेवन पॉइंट थ्री के सी एल पर मॉल दैट इज पी आई इनऑर्गेनिक फोस्फेट सॉरी यहाँ पे हम जब पी आई लिख रहे थे तो पी के पैर में जो हमने आई लिखा है इसका मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट और जो पी पी आई है वो हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक पायरोफोस्फेट टू फास्फेट ग्रुप लिंक्ड बाय ए फोस्फेट एंड हाइड्राइड आइंस इनऑर्गैनिक पायरोफोस्फेट होते हैं जिनके अंदर टू फोस्फेट ग्रुप ग्रुप लिंक्ड होता है बाय ए फोस्फेट ई होप आपको अच्छे से समझ आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आई डी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और और सब्जेक्ट्स के जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके जो नोट्स हैं उन वीडियोस का uh, उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब